हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस विच स्ट्रीम इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, और ये स्ट्रीम्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या करें, साइंस ले, कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले। मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर करने को ट्राई करूंगा। सो जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि वेदर टू गो फॉर साइंस, वेदर टू गो फॉर कॉमर्स और वेदर वी कैन टेक आर्ट्स, विच इज़ बेस्ट फॉर अस, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। सो बेसिकली 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट अभी लगा है और सारे स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से कंसल्ट कर रहे हैं कि विच स्ट्रीम विल बी बेस्ट फॉर अस। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साइंस स्ट्रीम। तो मैंने कुछ सीक्वेंस में हायरार्की में ही ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, साइंस स्ट्रीम बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज, बट साइंस के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी हैव प्लेन बीएससी, वी कैन गो फॉर मेडिकल, वी कैन गो फॉर इंजीनियरिंग, वी कैन गो फॉर फार्मेसी। तो ये बेसिकली मेडिकल और इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, इसीलिए वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं। या इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट इन दी मेडिकल और इंजीनियरिंग, देन यू कैन गो फॉर प्लेन बीएससी और ऑल्सो यू कैन गो फॉर फार्मेसी कोर्स एज कंसर्न। तो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आपके पास ये बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ द साइंस स्ट्रीम। देन द नेक्स्ट कम्स द कॉमर्स स्ट्रीम। अब कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। यू कैन गो फॉर प्लेन बीकॉम, वी कैन गो फॉर बैफ दैट इज़ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वी कैन गो फॉर बीबीआई दैट इज़ बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, वी कैन गो फॉर बीएमएस दैट इज़ कॉल्ड एज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वी कैन गो फॉर बीएफएम बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वी कैन ऑल्सो गो फॉर लॉ। हम कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं जैसे सीएससीएस, सीडब्ल्यूए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में से कर सकते हैं। तो आपके पास एमकॉम का ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाता है। तो अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम काफ़ी ओवरऑल देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड भी अच्छा स्ट्रीम माना गया है, बिकॉज यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दी अदर स्ट्रीम एज कंसर्न। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट से स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप ये ना करें कि आपके फ्रेंड साइंस में जा रहे हैं तो आप भी साइंस में जाए, आपको परसेंटेज ज़्यादा मिले तो आप भी साइंस में जाए। परसेंटेज का और हमारे स्ट्रीम सिलेक्शन का कोई भी रो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। एंड हियर कम्स द आर्ट स्ट्रीम। अभी आर्ट स्ट्रीम ऐसा स्ट्रीम है जिसके लिए लोग प्रायोरिटी नहीं देते। तो अगर आपको ज़्यादा परसेंट आए तो आप साइंस में जाते हो, थोड़े कम परसेंट आए तो आप कॉमर्स में जाते हो, और अगर थोड़े और लेस परसेंटेज आए तो आप आर्ट्स में जा सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आर्ट स्ट्रीम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके बाकी के स्ट्रीम्स हैं। तो अभी आप आर्ट स्ट्रीम लेके क्या कर सकते हैं, तो आर्ट स्ट्रीम लेके आप बीए कर सकते हैं, बीए के बाद आप एलएलबी के लिए जा सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। लॉ कॉमर्स साइंस और आर्ट सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर पाएंगे। तो आप लॉयर बन पाएंगे लॉ करने के बाद। टीचिंग रिलेटेड पॉइंट्स भी आप जा सकते हो, अगर आपको टीचर बनने में इंटरेस्ट है तो भी आप आर्ट्स ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आर्ट स्ट्रीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए भी आर्ट स्ट्रीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है रिगार्डिंग द स्ट्रीम्स एज कंसर्न। तो डिसाइड योर स्ट्रीम एज पर योर इंटरेस्ट, डोंट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। इवन इफ यू हैव गॉट 90%, इवन इफ यू हैव गॉट 92%, यू कैन गो फॉर आर्ट्स, यू कैन गो फॉर कॉमर्स, यू कैन गो फॉर साइंस ऑल्सो। बट पहले ही डिसाइड करें कि आपको कौन से स्ट्रीम से रिलेटेड इंटरेस्ट है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कितना भी परसेंटेज आए आपको साइंस स्ट्रीम में ही जाना पड़ेगा। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम ही लेना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई पहले आपका इंटरेस्ट देखें, फिर उसके बाद सभी लोगों से कंसल्ट करें, आपके फ्रेंड्स से पूछें, आपके रिलेटिव से पूछे, आपके मम्मी डैडी से कंसल्ट करें, और बेसिकली उसके बाद ही स्ट्रीम डिसाइड करें। तो यही कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैंने वीडियो के बेसिस पर आपको बताया। फिर भी आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सो दैट मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। दैट्स इट, दिस वॉज फ्रॉम द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक
करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी ये जो बेसिक पॉइंट से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर. थैंक यू.